सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वातावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर आज लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल और जेपीआईसी क्लब के बच्चों ने राजधानी के हजरतगंज स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के सामने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। तो बुझा दी इसकी ज्योति, बुझा दी इसकी ज्योति, बुझा दी इसकी ज्योति। कहाँ है हरे भरे पेड़, तुमने इस धरती को बंजर बनाया है, बंजर बनाया है, बंजर बनाया है। स्कूल की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जिसमें ये संदेश दिया गया कि पेड़ों की कटान से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। पांच तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, जिन्हें बनाया गया था हमारे लिए लाने को प्रकाश, उन्हीं का। परंतु आज का मानव मेरा दुरुपयोग भी करने लगा है। साथ ही वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। प्लास्टिक थैलियों के उपयोग के कारण बीमारी और जानवरों की मृत्यु का खतरा बना रहता है, इसलिए छात्राओं और उनकी अध्यापिकाओं ने राहगीरों को कागज के थैले भी बांटे। इतना ही नहीं, छात्राओं ने स्लोगन लिए नारों से लोगों को जागरूक भी किया। माय नेम इज अनुषा मिश्रा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 साइंस। टुडे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जेपीआईसी क्लब, विच स्टैंड्स फॉर जस्टिस, पीस एंड इंटेग्रिटी ऑफ क्रिएशन। टुडे वी डिड अ नुक्कड़ नाटक टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ ऑल द पॉसिबल थ्रेट्स आवर एनवायरनमेंट इज फेसिंग टुडे, लाइक पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। वी वांट टू मेक पीपल अवेयर सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर मदर नेचर, वी कैन रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल सोर्सेज एंड यूज बेटर वेज टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। मायसेल्फ संयोगिता एंड्रूस, आई वर्क as a teacher in Loreto Convent. I also am a member of the JPIC club of the Loreto Convent College. हमारा main उद्देश्य है कि we should make our campus carbon neutral, for which we have installed solar panels all over our school and we are not buying any electricity from outside, and we want to encourage everybody in the city of Lucknow to become carbon neutral. In the same scenario, we have also planted about 1000 trees last year and this year in different campuses like Lucknow University, Dr. Bhimrao Ambedkar University, and also in our school campus. So I want to encourage everybody to make our city cleaner and greener. Thank you. मैं अंजू सलूजा लोरेटो कॉन्वेंट से, हम लोग ये एक्टिविटी जेपीआईसी के अंतर्गत करवा रहे हैं जिसमें लोगों को हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोगों को अपने पर्यावरण को बचाना है और उसके लिए हमें प्लास्टिक को बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। उसके लिए हम लोगों में पेपर बैग्स भी बांट रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जब देश हमारा स्वच्छ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा और आगे बढ़ेगा। हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम स्मृति फ्रॉम क्लास 11 साइंस। दिस नुक्कड़ नाटक हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर द एनवायरमेंटल कंसर्न्स and all the things that are happening in the society that are changing, like for example the global warming, deforestation, urbanization and industrialization. Through this we have made people aware about all the things that are harming our society in indirectly or directly. So today Loreto has made this initiative and has made this has aimed to spread awareness about whatever is happening and to help the society in some or the other way. Thank you. मैं नमिता त्रिपाठी लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में एक शिक्षिका हूँ और जेपीआईसी ग्रुप नॉर्थ जोन की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। आज का ये नुक्कड़ नाटक कक्षा 11 की छात्राएं कर रही हैं। हम लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के जेपीआईसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ग्रुप सारे लोरेटो स्कूल्स, भले ही वो भारत में या बाहर विश्व भर में, सोशल सर्विस या सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं।
आज का मुद्दा हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन समस्याओं से आज की जनता और आज का समाज किस तरह से जूझ रहा है और इन समस्याओं का क्या निदान किया जा सकता है, किस तरह से इनको हम अपने स्तर पे कम कर सकते हैं, किस तरह से हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, हमारी छात्राओं का ये नुक्कड़ नाटक के द्वारा यही प्रदर्शित करने का प्रयास है। धन्यवाद। अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। राहगीरों ने इस कार्यक्रम को देखा और इसकी सराहना भी की। मेरा नाम सुब्रमण्यम अय्यर है, मैं चेन्नई से हूँ। यह आप लोगों का बच्चों लोगों का प्रोग्राम जो देखा है बहुत यूज़फुल है और ये चीज़ जो है पूरी पब्लिक यूपी की नहीं पूरी इंडिया की पब्लिक इसको देखेगी, उसी तरीके से डे टू डे उस पर यूज़ करेगी। ये अपने लिए ही नहीं पूरी इंडिया के लिए ही स्वच्छ भारत बनेगा। मेरा नाम नरेश जायसवाल है और मैं विधान परिषद सचिवालय में काम करता हूँ। हमारी मैम बॉस हैं रीता अरोड़ा जी, इन्हीं के अंडर में काम करते हैं हम लोग और इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ के बच्चों लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों द्वारा जो भी यहाँ पे परफॉर्म किया गया है वो हम लोगों को दिल को छू गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चों ने किया है उससे लखनऊ के लोग इससे इनकरेज होंगे और लखनऊ वालों को प्रदूषण के बारे में जो बताया गया है डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और मैं सोचता हूँ कि लखनऊ वालों को इससे थोड़ा प्रेरणा भी लेनी चाहिए और जो जो चीज़ें बताई गई हैं अपने प्रदूषण को बचाने के लिए, वायु प्रदूषण को बचाना हो चाहे ध्वनि प्रदूषण से बचना हो, दोनों स्थितियों में हम लोगों को उसके हिसाब से काम भी करना चाहिए। मैं संदीप सैनी रिपोर्टर विधानसभा सचिवालय से हूँ और मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा जो ये पॉलीथीन को लेके मतलब ये जागरूकता है ये बहुत ही अच्छी। हाय, आई एम अभिषेक वाजपेयी सिटीजन ऑफ लखनऊ, आई एम वर्किंग इन विधान परिषद सचिवालय एज अ रिपोर्टर और मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि किस तरह से पॉलीथीन का यूज़ बैन करके हमको कागज़ के पॉलीबैग इस्तेमाल करने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने प्रस्तुति दी है और हम नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि हम इसके प्रति जागरूक हों और पॉलीथीन का यूज़ करना बंद करें और अपने भारत को स्वच्छ बनाएं। जय हिंद।